धर्म बहुत बड़े नेता थे, वो स्थान मिला है जो मिलना चाहिए कि धर्म राय को। हमें बहुत दिया पार्टी ने, चार बार विधायक रहा, जिलाध्यक्ष भी रहा, हमारे श्रीपति जी नगर पालिका अध्यक्ष भी रही, बीना में बहुत दिया पार्टी ने, क्या इससे ज्यादा क्या मिल सकता है सामान्य कार्यकर्ता के लिए। एक भारतीय जनता पार्टी में झूठे कार्यकर्ताओं कब कहाँ बिठा दे, असंभव होता। 1 लाख कार्यकर्ता कांग्रेसियों ने, 1 लाख कार्यकर्ताओं ने जोड़ के वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो कांग्रेस बची कहाँ है, कांग्रेस समाप्त है, कुछ नहीं होने वाला। तो भारतीय बीना में तो जिंदा है क्या कांग्रेस? अरे अब ठीक है, वो हो गया था उस समय तो वो अलग बात है, मगर बीजेपी जीतेगी इस बार, बीना में भी अच्छे बहुमत से जीतेगी। होटल विनायक रेस्टोरेंट एवं रेसिडेंसी, ओपन रेस्टोरेंट, एसी, नॉन एसी रूम, पार्टी हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एवं समस्त आधुनिक सुविधाओं के साथ मैरिज गार्डन। पता याद रखें, महिंद्रा शोरूम के बाजू से NH 44 बामौरा सागर मध्य प्रदेश। नेताजी से बात करेंगे, नेताजी बड़े पुराने हैं और शायद खुरई की राजनीति में हो या भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भी रहे धर्मू राय जी, मेरा बहुत बहुत स्वागत है। क्या देखते हैं मतलब खुरई बीना सब ठीक ठाक है? भाई साहब पूरे मध्य प्रदेश में मोदी जी के नाम से पूरी वोट मिल रही है पूरे देश में, और हम 400 पार करेंगे पूरे देश के अंदर, और मध्य प्रदेश में 2900 सीटें हम जीतने वाले हैं। पिछली बार 28 जीते थे, एक जीते रह गए, अब छिंदवाड़ा पर भी पूरा फोकस है, छिंदवाड़ा भी इस बार जीतेंगे। भैया कांग्रेस से आ रहे हैं कछु नेता, धर्मू बहुत बड़े नेता थे, वो स्थान मिला है जो मिलना चाहिए कि धर्मू राय? हमें बहुत दिया पार्टी ने, चार बार विधायक रहा, जिलाध्यक्ष भी रहा, हमारे श्रीपति जी नगर पालिका अध्यक्ष भी रही, बीना में बहुत दिया पार्टी ने, क्या इससे ज्यादा क्या मिल सकता है सामान्य कार्यकर्ता के लिए। एक भारतीय जनता पार्टी में झूठे कार्यकर्ताओं कब कहाँ बिठा दे, असंभव होता। एक चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया इस देश की जनता ने, पार्टी ने, और मुख्यमंत्री जी शिवराज जी चौहान को मुख्यमंत्री बनाया शिक्षक के बेटे होते हुए, तो ये कार्यकर्ताओं के लिए ही सम्मान मिलता है, कांग्रेस में संभव नहीं है। कांग्रेस में कभी छोटे कार्यकर्ताओं को कभी मोबिलाइज नहीं किया गया आज तक, ये परिवारवाद है, वही सोनिया गांधी का परिवार चलता आ रहा है, परिवारवाद के कारण ही कांग्रेस नष्ट हो रही है पूरे देश में। सारे कांग्रेस ही बताइए, हमारे नरोत्तम मिश्रा जी न्यूज ज्वाइनिंग के संयोजक हैं, 1 लाख कार्यकर्ता कांग्रेसियों ने, 1 लाख कार्यकर्ताओं ने जोड़ के वो बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो कांग्रेस बची कहाँ है, कांग्रेस समाप्त है, कुछ नहीं होने वाला। तो भारतीय बीना में तो जिंदा है क्या कांग्रेस? अरे अब ठीक है, वो हो गया था उस समय तो वो अलग बात है, मगर बीजेपी जीतेगी इस बार, बीना में भी अच्छे बहुमत से जीतेगी। काहे जीत गई जी निर्मला, का लग रहा है? अब हो सकता है कुछ होगा ही, कुछ व्यक्तिगत लोगों से हारे हैं, जिनकी छवि ठीक नहीं थी वो लोग हारे हैं। अगर धर्मू को मिलता टिकट तो बीना जीतते? अरे जीतते हम, जीतते 20-25 हज़ार से, हम कहूँ 20-25 हज़ार से कम से हार जीते ही नहीं है, कहूँ खुरई में भी लगातार चार पार्टी ने कहा टिकट नहीं दो, अब दिया उन्होंने, बहुत दिया, अब सब लोगों को भी एडजस्ट करना चाहिए ना, कार्यकर्ता बहुत है, हमें बहुत दिया। महेश का जब विरोध था क्यों दिया टिकट? तो पार्टी के निर्णय था, पार्टी के निर्णय सर्वधारी है, क्या करते हैं कोई, हम लोग हस्ते थोड़ी करते, पार्टी सामूहिक रूप से निर्णय लेती है, कोई व्यक्तिगत एक आदमी निर्णय थोड़ी लेता है। बीना की गलती दोहराई जाएगी कि नहीं? बस आएगी, जीतेंगे काम, बीना जीतेगी बहुत जम गए, जाएंगे तहीं आ रहे हैं, नहीं जीतेंगे, जीतेंगे। कितनी लगभग बीना लग रहा है? लग रहा है 15-20 हज़ार वोट से जीतेगी। मेन ताकत जो कांग्रेस बीना विधानसभा में लगा रही, आजूबाजूवाई में लगा रही, देखो ताकत लगाने से कुछ नहीं होता। हम ये बताइए, आप मध्य प्रदेश में कैंडिडेट नहीं मिला कांग्रेस को, मध्य प्रदेश से क्या, मध्य प्रदेश से कैंडिडेट ही नहीं मिल रहा कांग्रेस के लिए, तो यहाँ वहाँ से लेके पकड़ के ले आ रहे हैं लोग, क्या कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद जी जी। धर्मू राय साहब थे जो बहुत पुराने नेता हैं, खुरई में जब दिग्विजय सिंह आए करते थे तो दिग्विजय सिंह कांग्रेस कमेटी से पूछते थे, उस वक्त कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, कि धर्मू राय कैसे जीत जाते हैं। तो ये बहुत मिलनसार आदमी थे और बहुत बहुत सुलझे हुए राजनेता हैं, लेकिन पार्टी ने अभी थोड़ी बैक साइड किया है, और हम तो ये कहेंगे कि धर्मू राय जैसे नेता जो है फलीभूत होते रहें ताकि पार्टी आगे बढ़ती रहे। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि अगर जाति संदर्भ में इस सियासत को देखा जाए और अगर जातिवाद का बिगुल बजा तो निश्चित तौर पर जो मोदी मैजिक आपको देखने को मिला वो थोड़ा मलिन पड़ सकता है, क्योंकि ठाकुर वोट यहाँ बहुत बाहुल्य में है, इसके बाद मुस्लिम वोट बहुत बाहुल्य में है, SC वोट बहुत बाहुल्य में, अगर ये परंपरागत वोट SC अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलती है और कांग्रेस के पाले में चली जाती है तो निश्चित तौर पर मुश्किलात का सामना हो सकता है। फिलहाल हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि जो बड़ी लीडरशिप है, आज गोपाल भार्गव दूर खड़े थे
देख रहे थे कि उनको भी सीएम अभिवादन करेंगे, मौका मिलेगा। भूपेंद्र सिंह को भी मौका नहीं मिला। तो ऐसे नेताओं को जो पूरे लोकसभा में अपना अस्तित्व रखते हैं, ऐसे लीडरों को पीछे करना भारतीय जनता पार्टी का शायद मुश्किल हो सकती है। क्योंकि अगर दानी ठाकुर बोर्ड अगर इस क्षेत्र से नाराज हो गया और उसकी लीडरशिप अगर कोई नेता करता है तो भूपेंद्र सिंह करते हैं। अगर दांगी वोट नाराज हो गया तो भारतीय जनता पार्टी को इस लोकसभा में बड़ी नुकसानी उठानी पड़ सकती है। ब्रह्मदत्त दुबे, सागर एक्सप्रेस, न्यूज सागर। सागर का शानदार होटल रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉरपोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश।